एरोगेंसी इन्नी है, डेढ़ साल उन्हां बच्चों नूं सुनिया तक नहीं है। मैं नहीं कहिंदा, मैं एक इनिशिएटिव लिया सी जिहदे विच 25 साल हायर एजुकेशन दे विच भर्ती नहीं सी होई। मैं हो सकता भी कोई गलतियां भी होईयां होणगियां, ब्यूरोक्रेटिक लैवल ते होईयां होणगियां, पर उहदी करैक्शन कर लईए। ये अपने ही बच्चे आ, ये अपने बच्चे आ जिन्हां ने साढ़े कॉलेजेस दे विच पढ़ाउणा सी। और ये लड़की इन्नी ब्रिलियंट सी, ये 2004 दे विच जदों रवि सिद्धू वाला कांड होया उहदे विच भी भर्ती हुई, ये हुण भी भर्ती हुई, लेकिन बदकिस्मती ये कॉलेज दे विच पढ़ा नहीं सकी। और आ उदों गांह जिहड़ा मजाक आ, आ ब्यूरोक्रैट्स बैठे आ, इस चिट्ठी की कोई अहमियत 13 साल बाद जदों उहदी लड़की ने 18 साल की होना, मैनू ये कोई दस दे भी परसोनल डिपार्टमेंट का बंदा भी इस चिट्ठी की कोई अहमियत होवे, उन्हां नूं नहीं पता। तुसीं फैसला कर लिया, मैनू पता फैसले किदां हुंदे आ, प्रैशर थले हुंदे आ। ते मंत्री साहब इदां दी एरोगेंस ना वरतो। मैं नहीं कहिंदा कि मैं बहुत 100% उहदे च ठीक कीता, हो सकता गलतियां होईयां होण, बट उन्हां लड़कियां नूं उन्हां बच्चियां नूं सुणो तां सही उन्हां, क्योंकि आपां डेमोक्रेसी का जिहड़ा चौथा पिलर है। एक 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 मिनट ठहर जो माड़ा जा, एक मिनट गल यही है कि होर कोई एक होर गल है, एक कोई गल करनी हुंदी है जी, बाकियां तो करा लईए आपां। मैं कहना सिर्फ एक कोई गल, क्योंकि गुरुद्वारा साहब की गल है सुल्तानपुर की, तुसी दो पत्रकारां नूं उत्थे कुट्टिया। एमएलए भी होना उत्थों दा कोई? हाँ जी, उत्थों दा कोई होर एमएलए होएगा नेड़े तेड़े दा? किथे दा, मैं तो उत्थे जाके आया, चलो होर तां कोई चलो नहीं गया। मैं तां सिर्फ इस करके दसना चाहुंदा जी मंत्री साहब, एक मिनट बस, तुसी बाद च जो कहना कह लियो, मैनूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो पत्रकारां नूं कुट्टिया गया सवेरे 5:30 बजे, दो धिरां दे विच लड़ाई आ, एड्डी कीड़ी गल है? इदां दीआं गलतियां पिछलियां सरकारां ने भी कीतियां। और उहदा मोबाइल इस करके खोया गया क्योंकि उहदे विच जिहड़ियां वीडियो बणियां सी उहदे विच कई सौ राउंड जिहड़े आ उह चलाए गए। पहलां तां पुलिस इह भी कहिंदी सी कि हाँ भी असीं तां उत्थे अंदर ही नहीं गए, पर उह उत्थे अंदर भी गए आ। इहदी तुसीं किते ना किते जिहड़ी माइनिंग वाली भी गल है, अज तक मेरे हल्के च माइनिंग नहीं हुई क्योंकि उत्थों की कोई आ लंघता ही नहीं है, दरिया ही नहीं लंघता। किते स्पीकर साहब हाउस की कोई कमेटी बना दिओ जिहड़ी मेरे हल्के च जाके ये देख लवे भी किन्ने किन्ने फुट माइनिंग जिहड़ी हुई आ। ठीक है जी, ते मंत्री साहिबां नूं माड़ा जिहा इन्ना तां रिक्वेस्ट कर दिओ भी हाँ भी किते हाउस ते। थैंक यू, थैंक यू। मंत्री जी, जीरो आवर च जवाब हुंदा नहीं। ठीक है, हरजोत बैंस जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। मैं हुण उन्होंने फिर लगे, फिर कहते जवाब नहीं देंगे, जो जवाब देने लगे फिर जाना नहीं। बेनती है मेरी जी, बोलो जी। मान्यो स्पीकर साहब, पहला तो मैं सारे एमएलए साहबाना तो माफी मांगदा, मैं उन्होंने जीरो हार दे विचों जेड़ा है 5 मिनट कीमती समा लूंगा, पर यह बहुत गंभीर मसले है मान्यो स्पीकर साहब। इल्जाम लगाने देखो, जेड़े लोग अज पता लगे पंजाब नूं कि असली कातिल है कौन सर, बड़े आसानी नाल कह दिता कि साढ़े हल्के चों तां दरिया वगदा नहीं सर, साडी धरती है आनंदपुर साहब, पंजाब दा 70% सर ग्रैवल ते सैंड उस धरती तों आंदा या पठानकोट तों आंदा सर। मेरे भाणे अज सारे लिख के दे देण कि इन्हां दी कॉन्स्टिट्यूएंसी च कोई सड़क कोई घर की लोड़ नहीं, ते मैं आप कहिंदा कि मेरे हल्के चों माइनिंग बंद होवे सर, साडे तां पाणी डूंगे होई जा रहे हैं। असी सर उस तों बाद जिन्हां दे उत्ते कदी बहुत सौखा जी दा चाचा इहदा फलाना साबित कर देण सर, आई एम रेडी टू फेस एनी सर पॉलीग्राफ टेस्ट, नारको टेस्ट सर। हरजोत बैंस से सौ ईमानदारी नाल सर, मैं माइनिंग मिनिस्टर रहा, अज तक दा इस पंजाब दा हाईएस्ट रेवेन्यू सिर्फ सर साढ़े काल दे विच सीएम साहब दी देख रेख विच इक्को ही बंदा सर, अज तक सर इक्को ही बड़ा जिहड़ा इस माइनिंग माफिया दे विच अगर राकेश चौधरी नूं किसे ने अंदर पाया वह हरजोत बैंस ने बतौर माइनिंग मिनिस्टर पाया। तो बिक्रम जी जीठिया किरे नाल बैठ के पीसी करदा है, एक वकील सर, एक ब्लैकमेलर मेरे हल्के का, जिहदी मेरे कोल एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो कहिंदा राकेश चौधरी ने 1 लाख रुपया दे दिता कल वो माइनिंग चला दो, ब्लैकमेलर नाल बैठ के सर ये लोग उत्थे करते हैं। अज ये कह दें सर बंद कर दिता जाए, जिस बंदे नू सर ईडी वाली जमीन के उत्ते बिक्रम मजीठिए दे पुराने यार भोले वाली जमीन, हुण बह जाओ यार, असीं नहीं बोल सकते। मजीठिया दे पुराने यार भोला सर जिहदी जमीन की गल करदे ईडी वाले, उहदे विच सर जिहड़ी अरेस्ट हुई है सर वह अकाली दल का लीडर है दलजीत चिमे नाल, उहदी फोटो है ना सर। सर गल आ गई 1158 दी सर,
11-58 दा पता लगे सर असली कातिल कौन है। सर नवंबर 2021 दे विच जो पता है कि सिर्फ कोड नू कुछ दिन रह गए ने, कुछ घंटे रह गए ने भर्ती लेके आ गए, तो अज सर उत्थे जाके बने हुए है। मैं बहुत इज्जत करता सी सर प्रगट सिंह जी की, पर जो सर सच है तथ्य है नवंबर 2021 दे विच सर भर्ती कढ़ी जाती है। सर डिसेंट नोट है, GNDU दे वाइस चांसलर ने कह दिता तुसीं गलत तरीके नाल भर्ती कर रहे हो, यह भर्ती कदी पूरी नहीं होनी। उसके बावजूद जाके सर सिर्फ सिर्फ राजनीतिक लाहे लैन लई सर, सिर्फ राजनीतिक लाहे लैन लई सर 1200 बच्चों का भविख ही नहीं खत्म कर दिता। सर जुलाई 2022 दी सर जुलाई 2022 दी सर हाई कोर्ट की 88 सफ़ियां दी जजमेंट है, उस दे विच एक एक सफ़े दे उत्ते दसिया कि किवें प्रगट सिंह जी ने कानून दी धज्जियां उड़ाइया, ते उहदे विच जज ने लिखिया आखिरी विच सर मानयोग हाई कोर्ट दे मानयोग जज साहब इह लाइन लिखदे ने कि मैनूं पता है इन्हां बच्चों की जिंदगी तबाह होगी, पर इन्नी इलीगैलिटी है इस भर्ती च कि मैं किसी रूप च भी इस भर्ती नूं मुकम्मल नहीं कर सकता। सर मैं हायर एडुकेशन एक सेकंड सर दो मिनट हो बस आखिर चलो उन्हें पूरा तुम सुन लेंगे उन्हें गल कर सर सर जनवरी 2023 में हायर एडुकेशन मंत्री जी एक मिनट बैठो बैठो अपना हाँ जी हाँ प्रगट सिंह जी एक मिनट देख प्रगट सिंह एक मिनट देख मंत्री बैठो तुसी स्पीकर साहब लर्नड मंत्री साहब नूं इह पुछ लो इन्हां ने रिव्यू पटीशन पाई है, रिव्यू पटीशन कदों पैंदी है कदों 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 पैंदी है एक मिनट रिव्यू पटीशन इन्हां ने खुद पाई है ठीक है जी, लेकिन सिर्फ इन्हां नूं सिर्फ इन्नी तकलीफ है ते ओ जे 1158 भर्ती हो जाएंगे ते किते पुरानी सरकार मेरे मन च तां इह सी मंत्री जी भई जदों भर्ती होजूगी तुहाडी गल मंत्री जी स्पीकर साहब सर असी सर मैं जनवरी 2023 दे विच हायर एजुकेशन मिनिस्टर बनदा सर सर वी वेंट टू LPS सर सर ए मैं इस करके नहीं उदो बोलिया सर ताकि उन्हां बच्चों की जिंदगी ना खराब होवे सर असी सर LPA दे विच है मैटर इज बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड एन हाई कोर्ट सर कल लिस्टेड है सर 3 तरीकां पईआं सर हर तरीक तो पहला अज तक कदे कोई मिनिस्टर नहीं होगा जिहड़ा उन्हां बच्चों नूं अपने घरे बुलांदा सी नाले AG ऑफिस का वकील बुलांदा सी सर हर मीटिंग तो पहला सर मेरे घरे 9 बजे मीटिंग हुंदी सी हर वक्त सर मैं ऑफिस तो बैठ के खुद हेयरिंग सुनदा सी सर पुछ के देख लैन उन्हां कैंडीडेट्स नूं अज तक ये कहा गया कदी मिलिया नहीं सर मैं घट्टो घट सर 50 वारी मिलिया होऊंगा हर मीटिंग दी मेरे कोल वीडियो रिकॉर्डिंग है हर मीटिंग दी मेरे कोल ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है सर सर कदी कदे मेरे हल्के च डांग नहीं चली ठीक है सर सर वो बैठे है पिछले 80 दिन तो इन्हां वांगो सर उत्थे नहीं के डांगा लाठियां मारियां होण अज सर उन्हां दी जीवन ठीक है जी राजा बनेंगे भाजपा साहब स्पीकर साहब मैं स्पीक बाजवा साहब कुछ कहना चाहते बाजवा साहब जी करा दो बाजवा जी सर जेड़ा माइनिंग का मुद्दा है एक मिनट प्लीज एक सेकंड प्लीज सर मेरी बेनती है एक मिनट सर लेट अस नॉट कास्ट एस्पर्शंस ऑन माइनिंग मैं कहना जिन्हें भी कित की हाउस की कमेटी बनाओ लेट अस विजिट हाउस की कमेटी जाए ऑल पार्टी मैंबर जान असी जाके विजिट करिए भावें साढ़े छोटे वीर ने आनंदपुर साहब की गल की है भावें दुआबे की भावें माझे की या मालवे की है लैट दैट कमेटी गो एंड सी देर आर वेरी सीरियस एस्पर्शंस कास्ट बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट आल्सो थैंक यू तुसी कृपा करो तुसी खुद यह गल कही से कि 20,000 करोड़ रुपया साल का माइनिंग चो दांगे 18 महीनों बाद 30,000 करोड़ चाहिए 125 करोड़ रुपया निरा आया कृपा करके विल यू ये थोड़ा ध्यान दोगे सर इस गल जे हाउस कमेटी ऑन माइनिंग बनाओ वी विल आई फील द होल हाउस इज थैंक यू